शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से छोड़ने वाली नहीं हूं मैं तुझे। भागने नहीं दूंगी मैं, छोड़ने वाली नहीं हूं मैं तुझे। बेचारी सोनिया, पता नहीं उसका क्या हाल हो रहा होगा, घर जाके देखती हूं। जब तक वरुण जी उस अग्नि को अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकालते, हमें मनाने नहीं आते, तब तक उस घर में हम दोबारा कदम नहीं रखेंगे। कीर्ति, कीर्ति! भाई साहब, आप कीर्ति को कुछ मत कहिए, उनकी तबीयत वैसे भी खराब है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। लेकिन अब हमें पता है कि हमें क्या करना है। कीर्ति को और दुखी नहीं देख सकते, हमको वरुण से बात करनी होगी, उन्हें समझाना होगा। हम करते हैं कुछ। अवनी, अवनी मेरी बात तो सुनो। जो करना था कर दिया ना, सुनने सुनाने को बचा क्या है। देखो वरुण, अब हम दोनों को एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। गुड बाय। नहीं, तू ये बार बार ना मिलने की बात मत किया कर। तूने देखा ना मुझे क्या कुछ नहीं झेलना पड़ रहा है। कीर्ति ने कैसे मेरा तमाशा बना दिया यार सबके सामने। कीर्ति को मैं समझती हूँ, इसलिए कह रही हूँ वरुण, हम बच्चे नहीं रहे, तुम्हारा एक परिवार है। और एक दोस्ती के लिए अपने परिवार की खुशियों को मत कुचलो। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, पर अगर तू नहीं भी होती ना तो भी कीर्ति किसी ना किसी बात को लेकर मुझसे चिढ़ ही रहती। तो ठीक है, तुम पहले अपनी और कीर्ति के रिश्ते को ठीक करो। जैसा कि श्रद्धा ने कहा, उसकी तबीयत बिगड़ते जा रही है और उसका असर उसके बच्चे पर भी पड़ेगा। तो प्लीज उसका साथ दो, उसे तुम्हारा साथ चाहिए। अपनी, मैं खुद देख लूंगा कि मुझे किसके साथ कैसे रहना है। बस तू ये बार बार दोस्ती खत्म करने की बात बंद कर यार। क्या जमाना आ गया है, अब तो भरी दोपहरी में खुलेआम लोगों को प्यार का रोग जकड़ता है। पक्का लड़का शादीशुदा होगा और आजकल की लड़कियां ऐसे ही लड़के फंसाती हैं। बस अब बहुत हो गया, बस आज से हम दोनों की दोस्ती खत्म। तुमने देखा ना, लोग बातें बना रहे हैं और तुम ना मुझे अकेला छोड़ दो वरुण। मैं और बदनामी नहीं झेल सकती हूँ। तुम जाओ यहाँ से, मेरे साथ जाओ यहाँ से। इस नाचीज को विश्रम विजय कहते हैं। कानपुर का हूं, प्रोड्यूसर हूं वीडियो बजाने शो का। शो तो सुना ही होगा ना आपको? जी नहीं, हम दूसरों की बातें और गाना बजाना बिल्कुल भी नहीं सुनते। वैसे बाय द वे, आपने अपनी आवाज तो सुनी होगी। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि हमारी आवाज भैंस की बैवे जैसी है? हाँ? नहीं, कहने का बिल्कुल ये मतलब नहीं था।
मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी जो भैभे है ना वो भी बहुत सुरीली है और उस पर आप जो अतरंगी ताने मारती है ना माशाल्लाह वो तो कमाल का होता है दिल का स्वाद जो है ना वो खट्टा मीठा हो जाता है पानी के बताशों की तरह वाह आप ना बेशरम के साथ साथ ये मीठी मीठी बातें करके ना बेइज्जती कर रहे हैं हमारी हमें सब पता है देखिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी आपके कहानी कहने का जो अंदाज है ना बिल्कुल रेडियो वालों की तरह है एक आदमी सुने ना तो फिर सुनते ही रह जाए आप मेरे साथ शो करेंगे मैं एक नया शो स्टार्ट करने वाला हूँ सास बहू का ताना बाना जिसमें आपके तीखे तानों पे और आपकी मीठी आवाज से लोग हंसेंगे भी और मजे भी लेंगे हाँ हाँ बहन जी तो इसमें अव्वल नंबर है अरे तुम्हारे कान फिर से खड़े हो गए चलो सब्जी डालो इसमें सोच लीजिए और सोच के नंबर पे फोन करिए आपके फोन का इंतजार रहेगा जल्दी मिलेंगे आपकी नई कहानियों के साथ रितु अरे ये रेडियो वाला तो आपकी आवाज ही लेके चला गया मतलब मजाक ही बना के चला गया अरे ऐसा थोड़ी होता है अब भाई तो ऐसा थोड़ी होता है कि कोई ऐसे ही रास्ते पर कभी भी किसी को भी मौका दे दे अरे ये सब छोड़िए और घर चलिए अरे ये श्रद्धा पता नहीं कब घर आएगी और हम कब तक बस सब्जी बनाते रह जाएंगे सुनिए आज रोकी ना आप ही बनाएंगी हाँ चलिए अब सोनिया सोनिया तुम ठीक तो हो ना तुम्हें पता है आज मैं उस गुंडे को पकड़ने ही वाली थी लेकिन ऐन मौके पे वो मेरे आंखों में धूल झोंक के चला गया तुम ठीक तो हो ना कौन किसकी आंखों में धूल झोंक रहा है ना श्रद्धा ये सब आज मैं देख चुकी हूँ इतनी गिरी हुई हरकत करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें मुझ पे गुंडे से हमला करवा दिया उसके बाद मुझे ही बचाने का नाटक कर रही हो तुम भी हद हो सोनिया एक तो मैं तुम्हारे लिए इतना सोच रही हूँ लेकिन तुम्हारी सोच कभी नहीं बदलेगी ओहो बड़ी आई मेरे बारे में अच्छा सोचने वाली यही सब करके तुम अभय के सामने अच्छा बनने का नाटक करती हो ना लेकिन भूल गई तुम कि मैं हमेशा तुमसे दो कदम आगे रहती हूँ तो तुम्हारी ये चाल ना मेरे सामने कभी नहीं चलने वाली श्रद्धा मुझे अपने जैसे ना गिरी भी मत समझो जो इंसान खुद हमेशा झूठ बोलता है ना उसे दुनिया वाले की हर बात झूठी लगती है हाँ तो बताओ ना मुझे कि कौन है वो इंसान जो मेरे पीछे पड़ा है जो बार बार मुझे धमकी दे रहा है मुझे मारने की यही पता लगाने के लिए मैं तुम्हारे पीछे गई थी कि सच क्या है आखिर मुझे भी पता चल सके श्रद्धा तुम ना मेरे सामने ये बकवास यहां से
धमकी देना था। ये मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा ये। तू वहां पर अकेला है लेकिन हम यहाँ पर छह हैं। चुपचाप बता दे तू कौन है और अपना चेहरा दिखा। श्रद्धा, श्रद्धा आगे मत जाओ, वो तुम्हें भी मार देगा। श्रद्धा, श्रद्धा वो तुम पे भी हमला करेगा, मत जाओ आगे। अरे कोई पुलिस को बुलाओ ना। भाभी प्लीज प्लीज रुक जाओ। श्रद्धा, श्रद्धा दूर रहो, कहीं वो तुझे कुछ न कर दे। श्रद्धा संभल कर। श्रद्धा बहुत खतरनाक लग रही है। श्रद्धा वो तुम्हारे ऊपर भी हमला कर देगा। हिम्मत दिखा के तू इस घर में घुस गया है ना, तो अब हिम्मत है तो अपना चेहरा भी दिखा, बता कि तू कौन है, वरना आज तेरा यहां से जाना बहुत मुश्किल है। धमकी दी थी, आखिर क्यों? ये सब तमाशे का मतलब क्या है? इस क्यों का जवाब सिर्फ सोनिया दे सकती है मम्मी। बताओ सोनिया, अब ये भी मैं ही बताऊं? चलो ठीक है, जो हादसा सोनिया ने बहुत बड़ा चढ़ा कर बताया ना, वो असल में कभी हुआ ही नहीं था। वो सिर्फ एक झूठ था और ये बात इसने अभी खुद मानी है। असल में मैंने श्रद्धा पे कभी शक किया ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा से जानता था अगर श्रद्धा सोनिया पे इल्जाम लगा रही है तो कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे साथ हमदर्दी में मैं इतना पागल हो जाऊंगा जो श्रद्धा की बात कौन सुना कर दूंगा मैं? अरे जब उसने मुझे बताया कि सोनिया ने ही वो चिट्ठी लिखी थी तब भी मैंने उसी का विश्वास किया था, तो तब मैंने सोच लिया था कि सबके सामने तुम्हारा सच लाकर रहूंगा मैं। लेकिन अभय, उन दोनों चिट्ठी पर तो लिखावट बिल्कुल अलग थी। ये सवाल मैं आरती से पूछना चाहता हूँ कि तुम कैसे भूल गई कि हमारी सोनिया दोनों हाथों से लिखना जानती है, वो भी अलग अलग लिखावट में।
ऐसे ही पास करती है या ना एग्जाम तू? हाँ भाई, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर पता नहीं मैं ये कैसे भूल गई। हाँ भी, हमने तो पहले ही दिन इसका झूठ पकड़ लिया था। एक चमाट मार के ना सारी असलियत सबके सामने लाने वाले थे, तो श्रद्धा ने हमें रोक लिया। पर भैया, जो आपको सारी सच्चाई पहले से पता थी, तो फिर आपने भाभी का साथ छोड़कर इस सोनिया का साथ क्यों दिया? जब एक लड़की अपनी लड़की होने का गलत फायदा उठा के पूरे घर वालों की हमदर्दी ले सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक गिर सकती है। जब मैंने बुआ जी और श्रद्धा को बात करते सुना कि वो सोनिया का सच सबके सामने लाना चाहते हैं, तो बस मैंने उनका काम थोड़ा आसान कर दिया। तब से मैंने तुम्हारा पीछा किया और तुम्हें डराया। आखिर आज अकेली मिली गई तो बचेगी नहीं तू आज। अरे जहाँ रहती हो, जिनके साथ रहती हो, वहीं ऐसी गंदगी फैलाने का तुमने सोचा कैसे सोनिया? तो मम्मी, इसने कौन सा ऐसा पहली बार किया है? इसने मुझे भी तो कुणाल के लिए भड़काया था ना कि मैं जाकर उससे मिलूं, और जब मैं उससे मिली तो इसने सारा इल्जाम भाभी के ऊपर डाल दिया, उन्हें फंसा दिया। पर आपको पता है ना, इन सब की वजह से भैया और भाभी के बीच में कितनी मुश्किलें आई थी। और हाँ, कैसे नागिन डांस करके पलट गई थी अपनी बात से, जब आरती ने हम सबके सामने इसकी सारी असलियत रखी थी। अरे ये, और झूठ ना बोले, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। हमने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला और तुम हमारे घर में आग लगाना चाहिए? अरे हम तुमसे पूछ रहे हैं, जवाब दो हमें। अरे हमारा बेटा, हमारी बहू, हमारी बेटी, सबकी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें क्या मिला? अरे जवाब चाहिए हमें, बोलो। अरे बोलो तुम, अरे बोलती क्यों नहीं हो? तनुजा, क्या हो रहा है? ये चल क्या रहा है यहाँ पर? आपकी आवाज से बाहर तक सुनाई देनी है। अरे तो आप इसी लड़की से पूछे ना, जिसे आपने हमारे सर में थोप दिया था। पूछिए इस लड़की से कि इसने अपने झूठे हादसे की कहानी हम सबको क्यों सुनाई। पूछिए इसे। अरे बोलो ना, अब बोल क्यों नहीं रही हो? सुनाओ सबको, बोलो। रुको, सोनिया कहीं नहीं जाएगी। हम आपके साथ घर चलेंगे, अगर आप हमारी एक आखिरी बात मानेंगे तो।